साइंस सरल के सभी व्यूवर्स को नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। काफ़ी टाइम बाद आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है द बेसिक्स ऑफ एटम। जब भी हम बेसिक्स की बात करें वो भी एटम में, तो इससे टॉपिक से ही ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरा PPT केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ अब जल्दी जल्दी आएँ और केमिस्ट्री के दो चार टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करें, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में फिज़िक्स के करे हैं। तो बिना देर करते हुए आज का हम अपना ये छोटा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द बेसिक्स ऑफ एटम। एटम जो हम कह सकते हैं एक तरह से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, उसके बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ या जिसने एटम को इंट्रोड्यूस किया वो थे डाल्टन। और अगर इंटरनेशनल लेवल के अलावा हम नेशनल लेवल की बात करें तो इंडिया में ये कंसेप्ट दिया था महर्षि कणाद ने। यही चीज़ मैंने इन दो लाइंस में यहाँ पर लिखी हुई है, दैट द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड एटम कांट बी डिवाइडेड फर्दर। हम इसको और ज़्यादा छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। एटम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय महर्षि कणाद इन इंडिया। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पूछें कि इंडिया में ये कंसेप्ट कौन लाया परमाणु का, तो आपका आंसर होगा महर्षि कणाद। ठीक, लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वी कैन से पार्ट्स ऑफ एटम। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट ये एटम के पार्ट्स ना होकर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एटम इन्हीं तीनों से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट इज़ प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है, इन पर चार्ज क्या होता है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ है आपके लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेसिकली हमें देखना क्या है कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्कस किए थे ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों ही सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। वन सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको शायद देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो। हाँ, तो ये जो एरो है ये आपको दिखा रहा है सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम को हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो जब भी आप चार्ज लिखते हैं तो इस कुछ इस तरह से लिखते हैं, नेगेटिव का साइन और VE, इसका मतलब है चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आई होप यहाँ पर आपको पोजिशंस क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बात करते हैं इससे आगे की। यहाँ पर कुछ डिस्कवरर्स के नाम दे रखे हैं। देखिए, इन तीनों पार्टिकल्स को और खुद एटम को अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया है। तो अगर हम ये कहें कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए, तो हम उसमें डाल्टन का नाम नहीं ले सकते। एक्चुअली डाल्टन की जो थ्योरी है वो एक ओवरऑल कंसेप्ट है, एक ओवरऑल व्यू है एटम के बारे में, बट उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं बताया था। जिन साइंटिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कवर किया था वो थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था और न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया था। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, बहुत ही चाइल्डिश सी ट्रिक है, आपने सुनी होगी, ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। तो ई और टी यानी ईंट, इससे बनता है इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया, और पर र से रदरफोर्ड आता है, पी से प्रोटॉन यानी प, प से प्रोटॉन। एक मिनट, मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में इसे लिख पाऊँ। पर मैंने अभी डिस्कस किया ईंट, ईंट पर नाच, ये ट्रिक होती है, अक्सर बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो ई से है इलेक्ट्रॉन, ट से है थॉमसन, प से है प्रोटॉन, र से है
रदरफोर्ड, बट आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को नाम दिया था, डिस्कवर नहीं किया था। तो अगर डिस्कवरी की बात करें तो गोल्ड स्टीन ने डिस्कवर किया था, जबकि अगर नाम की बात करें कि किसने प्रोटॉन को प्रोटॉन कहा तो वो रदरफोर्ड होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो ईंट पर नाच से आप एक रफली आइडिया आप लगा सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो इसे वैसे भी याद कर सकते हैं, इट्स नॉट अ टफ, और वी कैन से इट्स नॉट अ टफ फॉर यू एट ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इसके चार्ज के बारे में याद करना। मैंने आपको प्रोटॉन का चार्ज बताया था पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का बताया था नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन के नाम में ही छुपा हुआ है न्यूट्रल, तो इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर आप चार्ज का कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है चार्ज, ठीक। तो फटाफट से ये छोटी सी टेबल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मास दे रखा है और इधर दे रखा है चार्ज, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम होता है, बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन में पॉजिटिव 1.602 × 10^-19 चार्ज होता है। इसमें आप 02 को इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो 1 इसे इस तरह से बोल सकते हैं, प्लस 1.6 × 10^-19, अगर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम, माइनस का 1.6 × 10^-19 चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ थी। उसके अलावा इसके जो मास है, इसका जो मास है वो डिफरेंट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए प्रोटॉन के लिए तो ईजी है, वही 1.6 × 10^-27, बस -27 लगाना है यहाँ पर, और जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, तो ये भी ईजी है। बस आपको इलेक्ट्रॉन वाले पे थोड़ा ध्यान देना है, जो कि होगा 9.11 × 10^-31। अगर आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे या फिर लिख कर देखेंगे कॉपी में तो आपको बिल्कुल क्लियरली याद हो जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्लाइड में मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। ये तो जब हमने प्रीवियस स्लाइड देखी थी तो उसमें हम लोगों ने पूरा एटम डिस्कस कर लिया, बट एटम का जो नेचर है और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनमें जो एटम है उनका क्या नेचर रहता है, जिसकी वजह से कोई एलिमेंट दूसरे से अलग होता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जिसकी वजह से हमने पीरियोडिक टेबल सेट करी, जिसकी वजह से हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को सर्च किया। तो वो प्रॉपर्टीज़ थी एटमिक नंबर और एटमिक वेट। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की नेचर को डिसाइड करती हैं, उसके काम को डिसाइड करती हैं, वो कितना यूज़फुल है इस बात को डिसाइड करती हैं। तो एटमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये एक्चुअल में होता क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है, ठीक। उसके अलावा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये माइनस ए नहीं है, ये ए है, ए, वन सेकेंड मैं इसको लिखती हूँ, यहाँ पर ए है, ठीक है, माइनस ए नहीं है। और ये होता क्या है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उनके सम को हम एटॉमिक वेट बोलेंगे, ठीक। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देती हूँ आपको, मान लीजिए ये जो x है, ये x का साइन एक एलिमेंट है, ठीक है, या मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वन सेकेंड लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एटम ले लेती हूँ, क्या लूँ, चलिए सोडियम ले लेते हैं, एन ए, सोडियम का साइन होता है एन ए, ठीक। तो सोडियम जो है वो आपका एक एलिमेंट हो गया, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो एटॉमिक वेट होगा उसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि कुछ एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके ऊपर और नीचे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उसी को हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉरी फॉर दिस लिटिल नोटिफिकेशन, क्योंकि ये पूरा मोबाइल पे चल रहा है तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक, आई होप यू डोंट माइंड।
तो मैं ये बता रही थी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो आप वीडियो को डेफिनेटली स्किप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू गाइस। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ए से एटॉमिक वेट होता है और ऊपर लिखा जाता है, और जेड से एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिखा जाता है। ठीक, तो आप आगे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से आगे मैंने कुछ सिंपल कैलकुलेशंस दे रखी हैं जो आपकी न्यूमेरिकल्स में या फिर कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी। न्यूमेरिकल्स में अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसका सीधा सीधा हिसाब है कि आप ए में से जेड को माइनस कर सकते हैं। नाउ यू नो वॉट इज़ ए एंड वॉट इज़ जेड। ठीक है, तो ए में से अगर जेड को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ज होता है एटम पे वो हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से एटम का जो चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, वो ज़ीरो होता है। साइज ऑफ एटम इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर 10^-10 मीटर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रॉम का जो साइन है मैं वो यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। येस, लाइक दिस, जैसे ए के ऊपर एक छोटा सा सर्कल, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर, ठीक है, ये मेजरमेंट होता है इसका। तो एटम का साइज भी कुछ इसी तरीके का है। हम कहते हैं एक एटम जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। अच्छा, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये भी काफ़ी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज 10^-15 मीटर। लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। यस, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज 10^-15 मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। उसके अलावा मैं कुछ अब एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको ए बताया था, जेड बताया था, तो जैसे कि कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का जो सिंबल होता है पीरियोडिक टेबल में वो सी होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि कार्बन का सिंबल सी है, तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो मैं ऊपर की तरफ लिखूंगी, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो मैं यहाँ लिखूंगी, लाइक दिस। इस तरह से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे ही नाइट्रोजन में भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर जो है वो 15 होता है, सॉरी, एटॉमिक वेट जो है वो 15 होता है, नंबर जो है वो 7 होता है। ठीक है, इसी तरीके से एटलीस्ट आपको 30 तक जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप अगर एटॉमिक नंबर याद करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि एटॉमिक वेट जो होता है वो उसका डबल होता है। ठीक, तो अगर इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बता देती हूँ, बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा उससे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपने एक कार्बन के लिए आपने याद किया जेड का नंबर जो कि है 6। ठीक है, और क्योंकि 6 जो है वो एक इवन नंबर है, तो उसका डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा एटॉमिक वेट। बट अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 7 है, और 7 एक ऑड नंबर है। तो आपको याद रखना होगा कि 7 का आप डबल करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो उसका एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इवन के लिए तो आपको जस्ट डबल करना है, और ऑड के लिए आपको डबल +1 करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चलता रहता है। ठीक है, बट क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन में ये चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों बराबर होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों 1 और 1 होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके, और हमारी आज की स्लाइड यहीं पर ख़त्म होती है फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और प्लीज़ आप बने रहिए साइंस सरल के साथ। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखिए। और डोंट फॉरगेट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लवली रिस्पॉन्स, और मेक श्योर कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखते रहें रोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।